जय हिंद। सारा ऐप से खरीफ फसल की गिरदावरी में जो अभी नए अपडेट किए थे उसमें विलेज लेवल जियो फेंस, फसल की फोटो, बुवाई की तिथि को जोड़ा गया था एंड ओनली कैन बी सर्वे नंबर फील्ड। ये अपडेट उन पटवारियों के लिए बहुत बड़ी समस्या है जिनके हल्का प्रभार में बहुत अधिक सर्वे नंबर हैं, तो उनको ये सारी डिटेल्स भरने में प्रॉब्लम आती थी, समय भी अधिक लगता था। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर सारे सर्वे नंबर यहाँ पर ये दिख रहे हैं और इनको यहाँ से फिल करना है। यहाँ पे एक गांव का नक्शा भी दिखाई दे जाता है, ये इसी बार से ये जोड़ा गया है। और यहाँ पर देखिए, ग्राम की दूरी और खसरे की अनुमानित दूरी, यहाँ पर ये ब्लैंक आता है। जब तक ये ब्लैंक ग्राम से दूरी ये नहीं आएंगे, कम से कम विलेज लेवल पर आपको पहुंचना आवश्यक था, तभी आप ये डिटेल्स भर पाते थे। तो हम चलते हैं, गांव के एरिया में पहुंचते हैं। तो अभी हम देखिए पहुंच गए हैं ग्राम में। पहुंचने के बाद ये देखिए डिटेल्स यहाँ पर। अब आप फिर से जैसे ही ओपन करेंगे तो ये देखिए ग्राम से अनुमानित दूरी ये ग्रीन कलर का हो गया है, यानी कि आपने उस ग्राम की जिसका आप सर्वे कर रहे हैं, गिरदावरी कर रहे हैं, उस ग्राम में पहुंचना आवश्यक होता था, तो ये ग्रीन हो गया है। इसके बाद यहाँ से फसल की डिटेल्स को भर पाते थे। तो यहाँ पर हमने जैसे कि फसल को चुन लिया है, सिंचाई का साधन भी यहाँ से फिल कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ फोटो लेने की बाध्यता इन्होंने रखी थी, एक फोटो आपको लेना आवश्यक था, फोटो भी हमने क्लिक कर लिया है। और बुवाई की तिथि को भी जोड़ा गया है, बुवाई की तिथि को भी यहाँ पर फिल करना होता है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद फिर आप इसको जोड़ सकते थे। यदि आपको जियो फेंस हटा दिया जाए, फोटो लेने की बाध्यता हटा दिया जाए तथा एक साथ कई सर्वे नंबर को सिलेक्ट करके फसल की जानकारी भरी जा सके, तो यकीनन काम बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए ये सब कैसे कर सकते हैं देखते हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आप देख रहे हैं ज्ञानोदय ज्ञान। राजस्व विभाग से संबंधित ऐसे ही नए नए अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दे। आपने क्या करना है, अपने सारा ऐप को सबसे पहले लॉग आउट कर देना है। जैसे ही आप लॉग आउट करें, जो भी कार्रवाई करें आप लॉग आउट करके करें, नहीं तो फिर ये आप बगैर लॉग आउट करेंगे फिर आपको तहसीलदार के यहाँ से लॉग इन कराना होगा। तो लॉग आउट करने के बाद आपने ऐप में को अपने अनइंस्टॉल कर देना है, एमपी सारा ऐप को अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद इसको फिर दोबारा से इंस्टॉल करना है। यदि आपके में अपडेट आया है तो उसको अपडेट करें, अपडेट नहीं आया है तब भी इसको अनइंस्टॉल करके इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर इसको नेक्स्ट 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 करके ये जो परमिशंस मांग रहा है उस परमिशन को अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद आपने फिर से खोलना है और आपकी जो भी यूनिक आईडी है उस यूनिक आईडी को डाल के यहाँ पे पटवारी को सिलेक्ट करके यूनिक आईडी डाल के जो आपका वेब जीआईएस में मोबाइल नंबर लगा हुआ है उस मोबाइल नंबर पर 4 फिगर का ओटीपी आएगा। आपने उस वो 4 फिगर के ओटीपी को यहाँ पर फिल करके जमा करें पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से सारा ऐप के होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आपने क्या करना है, गिरदावरी ऑप्शन पर जाके क्लिक करना है। जैसे ही इस पर जाएंगे तो डाउनलोड डाउनलोड ऑप्शन पर जाके क्लिक कर देना है। यहाँ से आपके प्रभार में जो भी गांव है वो सारे गांव दिखेंगे, उनको अगेन डाउनलोड करना है। गांव का डाटा, ग्राम का संपूर्ण नक्शा ये डाउनलोड कर लेना है।
तो यहाँ पर टिक का निशान लग के आ जाएगा जैसे ही डाउनलोड हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपने अपने सारे गांवों को डाउनलोड कर लेना है। जिस दिनांक को आप डाउनलोड करते हैं वह दिनांक भी वहां पर प्रदर्शित होने लगती है। इसके बाद आपने फसल जोड़ें, फसल जोड़ने पर क्लिक करेंगे। फसल जोड़ने पर क्लिक करने के बाद अपने ग्राम पर जिसकी भी गिरदावरी कर रहे हैं उस ग्राम पर चले जाना है। और ये नीचे एरो का निशान है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि देखिए आपके किसानों के नाम यहाँ पर दिखने लगे हैं और जियो फेंस यहाँ से हट गया है। जो यहाँ पर दिखाई देता था जियो फेंस का आइकॉन यहाँ प्रदर्शित रहता था वो अब यहाँ से रिमूव हो गया है। अब आप चाहें तो एक एक करके सभी किसानों के जो एक फसल है जिनकी एक जैसी फसल है जैसे धान तिली तो उनको एक साथ यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। एक साथ कई किसानों को सिलेक्ट करके इस प्लस के आइकॉन पर करके फसल जोड़ें, फसल जोड़ के उसकी जो डिटेल्स रहती है वो यहाँ पर भर जाएंगे। ये देखिए मैंने अगर 6 लोग सर्वे नंबर को जोड़ा है तो 6 नंबर हमारे एक साथ सिलेक्ट हो गए हैं। यहाँ पर फसल का नाम, फसल की किस्म, सिंचाई के साधन और यहाँ पर देखिए अभी जो ग्राम लेवल जियो फेंस और सर्वे नंबर जियो फेंस आ रहा था पार्सल लेवल जियो फेंस वो यहाँ से हट गया है। अब आपने लोकेशन पर नहीं जाना है और ये यहाँ से रिमूव हो गया है। अब फसल की जानकारी को फिल करके जैसे कि आप करते आए हैं वो सारी जानकारी यहाँ से भर दें। अभी यहाँ पर कैमरे का आइकॉन आ रहा है लेकिन अभी ये फ़ोटो नहीं मांगेगा, आप बगैर फ़ोटो के भी आगे बढ़ जाएंगे। ये 3 कैमरे के निशान आ जरूर रहे हैं लेकिन ये अब फ़ोटो आप बगैर निकाले भी बढ़ सकते हैं। बस ये बुवाई की तिथि को इन्होंने इसमें नहीं हटेगी, बुवाई की तिथि आपको फिल करनी ही होगी। तो बुवाई की तिथि आप जो है भर के इसको जोड़ने पर क्लिक कर देंगे तो ये हो जाएगा। बुवाई की तिथि आपको भरना ही होगा। तो बुवाई की तिथि जो भी फसल जब भी बोई गई है वो यहाँ पर भर दें। मैंने अगस्त 1 चुन लिया है और जोड़े पर क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से ये प्रविष्टि संपन्न हो गई है, प्रविष्टि भर गई है। इसी प्रकार से इन भरी हुई जानकारी को आप अपलोड भी कर सकते हैं, पीछे जाके इनको अपलोड करते हैं। तो ये ट्रिक आप अपनाएं, इस तरीके से अभी आप करें तो आप यकीनन जियो फेंस लेवल से भी बचेंगे, फ़ोटो खींचने की बाध्यता से भी हटेंगे और बहुत क्विकली अपने सारे सर्वे नंबरों को भर पाएंगे। तो इस तरीके से आप ज़रूर करें। यदि आप अभी भी अपने मोबाइल पर ये प्रदर्शित हो रहा है तो ये तरीका आज दिनांक को यदि आप अपनाते हैं अभी खरीफ फसल 2023 में ये काम करेगा।